अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक एंड किया था जिसमें हमने इन्वर्स देखा था मैट्रिसेस का। उसमें हमने उसका कोफैक्टर और माइनर वगैरह देखा और फिर उन दोनों को मिला के इन्वर्स फाइंड किया। इन्वर्स के लिए हम एडजॉइंट भी देखा कि हम 3 बाई 3 का ऑर्डर हो मैट्रिक्स या उससे ग्रेटर ऑर्डर हो तो हम उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के ऊपर हम ये ऑपरेशन किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑपरेशन हम कर देंगे जो दिल में है वो किए जाएं, नहीं, ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला है कि इंटरचेंजिंग टू इक्वेशंस। अब पहले जो हमारे पास जो दिए गए हैं ये आपके पास इक्वेशन यानी कि एक लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि आपके पास इस तरह से इक्वेशंस आ जाती हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर एक इक्वेशन लिखता हूँ कि 2x1 + 3x2 - 5x3 = 5। अब इसी तरह से x1 - 2x2 + x3 = 2। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोई भी, ये सब मैं लेट कर रहा हूँ, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं खुद से ले रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि इनके ऊपर ऑपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह से तीसरी इक्वेशन मैं इसकी लेता हूँ कि 5x1 + x2 + 3x3 = 1 कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अगर इन इक्वेशंस की बात करें, क्योंकि हम इससे मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, कोई भी मैट्रिक हम निकालना चाहें जो कि हमारे पास 3 बाई 3 का बनेगा, तो कोफिशेंट अगर देखें तो 2, 3 - 5, 1 - 2, 1 और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा 5, 1 एंड 3। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा 3 बाई 3 का, जिसको हम अगर फर्दर हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना हो या सॉल्यूशन वगैरह फाइंड करना हो तो हम इसको ए का नाम देते हैं, फिर इसी ए का हम इन्वर्स लेते हैं। खैर वो एक अलग बात है। तो अभी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो इंटरचेंज टू इक्वेशन, इंटरचेंजिंग, हम किसी भी दो इक्वेशंस को, देखिए जी मैं, अगर कोई कहता है जी ये जो हमारे पास 2, 3 - 5 ऊपर लिखा हुआ है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसको चेंज करना है, सेकंड पे लाना है या थर्ड पे लाना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है ना रो की, तो हम वो कर सकते हैं। अब देखें उससे क्या करेंगे, अगर मैंने सेकंड के साथ चेंज करना है तो सेकंड को फर्स्ट पे ले जाऊंगा, फर्स्ट को सेकंड पे ले आऊंगा, इंटरचेंज कर लूंगा दो इक्वेशंस। अगर मैंने थर्ड के लिहाज से चेंज करना है तो फर्स्ट को और थर्ड को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। यहाँ पे कॉलम की बात नहीं है कि इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में हम इसकी रोज को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, बट कॉलम्स को नहीं। अब दूसरी बात, अब एक और चीज़ है कि ये मैट्रिक्स तो मैंने आपको वैसे लिख के दिखाया, अभी हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशंस हैं हम इनकी बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग एंड इक्वेशन बाय ए नॉन जीरो नंबर, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास रो ऑपरेशन थे लास्ट टाइम इन्वर्स से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अगर हमने किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसके हर एलिमेंट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम इसी तरह से मल्टीप्लाइंग एंड इक्वेशन बाय ए नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर से किसी इक्वेशन को किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्त ये कि वो उसके पूरे एलिमेंट्स। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो हमारे पास इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ होगा एलिमेंट यानी कि नंबर होगा, उसको भी हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम, जिस नंबर से हम उस रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड और लास्ट जो हमारे पास है, एडिंग ए मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन। अब देखें एक बात तो होती है कि हम किसी इक्वेशन को किसी इक्वेशन में ऐड कर दें, यानी कि मैं चाहता हूँ जी हमारे पास जो ये 2, 3 - 5 है मैंने इसको सेकंड में ऐड करना है, तो हम कर सकते हैं 2 + 1 इधर 3 आ जाएगा, इट मीन्स कि जो हमारे पास ये रो 2 है तो ये फिर चेंज हो जाएगी R2 बार के साथ, यानी कि उसका नाम चेंज कर देंगे जब भी हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे।
लेकिन ये चूंकि इक्वेशंस हैं तो हम इक्वेशंस को अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट हमने ये मेंशन, ये ऑपरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया सिंपल ऐड करने वाली बात। अब ऐड करने के साथ साथ उसने कहा है कि किसी इक्वेशन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिखता हूँ, फर्स्ट पॉइंट है इंटरचेंजिंग टू इक्वेशन, और सेकंड पॉइंट है हमारे पास मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन बाय नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो थर्ड हमारे पास है वो हमारे पास पॉइंट है एडिंग ए मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन इक्वेशन टू एन अदर, अब देखें। अब जो हम पहले तो मैंने आपको सिंपल बात बताई कि हम ऐड कर सकते हैं, तो जो दूसरा पॉइंट है मल्टीपल बाय ए नॉन जीरो नंबर, हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी हम ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारा ये थर्ड पॉइंट है। इट मीन्स कि अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर वन है मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, तो टू से मल्टीप्लाई मैंने तीनों मेंबर्स के साथ, तीनों के साथ करना है, एक्स वन के कोफिशेंट, टू के, थ्री के, और इसी तरह इज इक्वल्स टू के। दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद आप दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं और उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि ये तीन ऑपरेशन है जो कि हम इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मैट्रिसेस की बात। अब मैट्रिसेस में भी कुछ इसी तरह से सेम है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चेंज ही आता है कि हम वहाँ पे कॉलम्स को भी ऐड करते हैं ऑपरेशन में, क्योंकि हमने जब इन इक्वेशंस की बात की हमने इसमें कॉलम्स की बात नहीं की, हमने सिर्फ रोज़ की बात की। लेकिन जब हम मैट्रिसेस की बात करेंगे तब हम उसमें कॉलम्स भी ऐड करेंगे और साथ के साथ ऑपरेशन भी लिखेंगे कि क्या हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वो साथ में लिखेंगे। तो ये हम इसको 3x3 का मैट्रिक्स हमारे पास है एक, इसको हम लिखा रहने देते हैं, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं और साथ साथ हम इसकी ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं कि ऑपरेशंस इसमें कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऑपरेशन हम मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में हम उसकी ये वाली एग्जांपल भी लेते जाएंगे। अब इसमें जो सबसे पहला है इंटरचेंजिंग टू रोज, अब देखें, अब दो रोज को हमने इंटरचेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, मैं इसको दोबारा से यहाँ लिखता हूँ लेकिन रोज को इंटरचेंज करके। अब रोज को इंटरचेंज करूँगा तो मैं बताऊँगा नहीं कि मैंने किन दो रोज को इंटरचेंज किया, मैं साथ में ऑपरेशन लिखूँगा उससे मैं बताऊँगा कि मैंने किस रो को किसके साथ चेंज किया है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ इसको, लिखता हूँ इस तरह से, अब देखें जो हमारे पास ये 3x3 का मैट्रिक्स था, अब जो हमारे पास इसका फर्स्ट ऑपरेशन है जो कि हम इंटरचेंजिंग टू रोज, हम किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो साथ में मैंने ऑपरेशन मेंशन कर दिया जो कि मैंने लिखा इंटरचेंज के लिए, ये हम साइन यूज करते हैं मैट्रिसेस में, ठीक है। तो मैंने लिखा R2 R1, क्योंकि मैंने R1 की जगह पे R2 को लिख दिया और R2 की जगह पे R1 को लिख दिया, तो मैंने इन दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया, जो कि हमारे पास मैट्रिसेस का पहला ऑपरेशन था, मल्टीप्लाइंग ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर।
अब नॉन जीरो नंबर से हम किसी भी, जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए और पॉजिटिव में, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तो तमाम रोज के एलिमेंट्स को जीरो कर देगा, तो उससे तो हमारा आंसर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम किसी भी रो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि रो नंबर फर्स्ट है, तो अगर मैंने इसको नंबर थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर लिखिए फिर हम साथ में ऑपरेशन मेंशन कर देंगे। मैं अब रो नंबर वन को रो वन को थ्री से मल्टीप्लाई करने लगाऊँ, तो यहाँ पर थ्री आ जाएगा, यहाँ पे माइनस सिक्स आ जाएगा और यहाँ पे थ्री आ जाएगा, बाकी हमारे पास एलिमेंट सेम आएंगे, टू थ्री एंड माइनस फाइव, लास्ट हमारे पास आएगा फाइव वन थ्री, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें, अब मैंने मल्टीप्लाई किया रो वन को, अब इसके साथ ऑपरेशन भी लिखूंगा ना कि हमारे पास हमने ऑपरेशन किया क्या है इसके ऊपर, तो हमारे पास जो रो वन था थी इसको मैंने मल्टीप्लाई किया थ्री आर वन के साथ, और हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा यानी कि थ्री आर वन, तो इसका आंसर बनेगा यानी कि जो हमारे पास न्यू रो आई है उसको आप बार की मदद से, मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, आर वन बार की मदद से उसको शो कर दो। आर वन लिखने की ज़रूरत नहीं भी है कि बस आपने ये लिखना है कि आर वन थ्री आर वन यानी कि थ्री से मल्टीप्लाई किया और जो आपके पास न्यू रो बनी उसको आप नाम चेंज कर दो। जैसे कि हम यहाँ पे किया करते थे कि आर वन को हम मतलब टू से मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो आर वन बार लिख देंगे, मतलब उसका नाम चेंज हो गया, वो एक न्यू रो बन चुकी है जिसके एलिमेंट सारे चेंज हो चुके हैं, यानी कि इस तरह से। अब सेम इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड है, एड ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू एन अदर, ठीक है, तो अब किसी भी रो का कोई भी मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, और दूसरी इसको हम ये भी कर सकते हैं यानी कि जैसा मैंने आपको इक्वेशंस की सूरत में बताया कि किसी भी रो को, जैसे मैंने आप इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये देखें कि हमारे पास जो इसी ऑपरेशन को लेते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ, हमारे पास जो ओरिजिनल थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, अब मैंने इसको किया क्या, मैंने किया जनाब थ्री आर वन, तो हमारे पास न्यू रो जो बनी है वो बनी है आर वन बार। अब इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये रो वन है, हम चाहते हैं कि रो वन को मैं थ्री से मल्टीप्लाई भी करूं और रो टू के साथ या रो थ्री के साथ ऐड भी करूं, बट रो वन चेंज भी ना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने करना है जो इसकी जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, वो लिखी हुई है आर आई प्लस के आर जे इज इक्वल्स टू आर आई बार। अब देखें जो आर आई है यहाँ पर, ये वो रो है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रो नंबर टू है मैंने इसमें चेंज करना है, इसमें क्या चेंज करना है, इसमें मैंने चेंज करना है जी, मैंने थ्री से आर टू को मल्टीप्लाई करना है, आर वन को, आर वन को थ्री से मल्टीप्लाई करना है और आर टू में ऐड करना है, और न्यू जो चेंज आएगा वो आर आई यानी के फर्स्ट वाली रो में आएगा जो हम यहाँ पे लिखने लगे हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ आर टू के अंदर मैंने चेंज करना है, क्या चेंज करना है, मैंने चेंज करना है कि थ्री आर वन के आर वन को मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँ और उसको आर टू में ऐड करूँ, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा आर टू बार, यानी कि ये चेंज हो के इस ऑपरेशन का आंसर चेंज हो के उसमें आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये हमने जो मल्टीप्लाई किया था इसको हम फिलहाल कर देते हैं रेज। अब ये जो ऑपरेशन मैंने लिखा है यहाँ पर, जो कि ये उसकी जनरल फॉर्म है और यहाँ पर मैंने उसका ऑपरेशन लिखा है, अब इस ऑपरेशन को अगर मैं परफॉर्म करूँ तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ काबिले गौर है कि हम आर वन के अंदर चेंज नहीं करेंगे, आर वन को वैसे लिखेंगे, लेकिन आर वन को हमने खुद से सोचना है कि हमने इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ ऐड करना है। अब फॉर एग्जांपल तो मैं अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ इधर, तो ये आएगा वन माइनस टू और वन। अब आर वन के साथ मैं करूँगा थ्री को मल्टीप्लाई और टू में ऐड करूँगा, इट मीन्स कि आर वन क्या है, वो है वन, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री आ जाएगा, थ्री प्लस टू तो फाइव, यहाँ पे आ जाएगा फाइव, और इसी तरह से माइनस सिक्स यानी कि आर वन क्या है, यहाँ पे थ्री इंटू माइनस टू
तो प्लस का थ्री, तो ये बिल्कुल सेम वही मैं लिख रहा हूँ, माइनस टू आर वन की जगह पे आ गया, थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना और थ्री में ऐड करना है, तो थ्री माइनस का सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो यहाँ पे इसकी आंसर आ जाएगा माइनस का थ्री। और इसी तरह से अगर मैं वन लेता हूँ तो वन इंटू थ्री यानी कि वन आर वन का आ गया और इंटू थ्री क्योंकि थ्री से मल्टीप्लाई करना है और साथ में प्लस करना है माइनस का फाइव, तो माइनस का फाइव, तो ये हमारे पास माइनस का फाइव प्लस का थ्री इज इक्वल्स टू माइनस का टू बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टू। तो बाकी जो हमारे पास थर्ड रो है फाइव वन थ्री, इसको हम सेम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए हमने ऑपरेशन क्या किया, हमने ऑपरेशन किया आर टू में चेंज किया, प्लस किया थ्री आर वन, और जो इसका आंसर आया, इसका आंसर आया आर टू बार, यानी कि ये हमारे पास फाइव माइनस थ्री माइनस टू इसका आंसर आ गया। ये रैंडमली हमने कोई सी इक्वेशंस ली थी, उसका मैट्रिक्स बनाया और उसी के ऊपर हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि आर टू के अंदर चेंज किया, क्या चेंज किया कि आर थ्री से मल्टीप्लाई करके उसमें आर टू में ऐड किया और आंसर जो आया वो आर टू बार आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम तीन ऑपरेशन ये कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉलम्स वाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वेशन में हम सब जस्ट रो के ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की जब बात आती है तो हम कॉलम के ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब जो मैंने तीन आपको ऑपरेशन बताए हैं, यहाँ पे मैं इनको लिख देता हूँ उनकी जनरल फॉर्म भी, तो वही सेम वही तीनों ऑपरेशन हम कॉलम वाइज भी करते हैं। अब देखिए कैसे, हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो रो वाइज आता है ना, जो हम रो पे ऑपरेशन कर सकते हैं आर आई, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं आर जे के साथ, मतलब कोई सी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑपरेशन था कि हम किसी भी रो को यानी कि किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, बट उसका फिर नाम चेंज हो जाएगा, यानी कि आर आई है और किसी नॉन जीरो नंबर से यहाँ पे हम लिख देते हैं के इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो ऑपरेशन है, मैंने आपको इंटरचेंज भी करके दिखाया और मल्टीप्लाई भी करके दिखाया, और थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आर आई प्लस एनी नंबर के, हम लिख लेते हैं आर जे और इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा आर आई बार, कि हम किसी भी नॉन जीरो नंबर पे, यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन ये है कि k इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि k जीरो के इक्वल नहीं है। अब ये हो गए रो के ऑपरेशंस। अगर हम यही ऑपरेशन मतलब कॉलम वाइज भी दोहरा सकते हैं तो उसके लिए क्या होगा, बस उसके लिए हम कॉलम वाइज यही ऑपरेशन कर सकते हैं सेम टू सेम, उसकी एग्जांपल करवाने की मेरा नहीं ख्याल अभी हमें ज़रूरत होगी। उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास सी आई और सी जे, मतलब ये कि हम किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं जिस तरह हमने ये रो में करते हैं। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है कि हम किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट नॉन ज़ीरो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि के सी आई इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ये सी आई बार। अब ये हमारे पास किसी भी नॉन जीरो, बट यहाँ पे के इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, दूसरा ऑपरेशन आ गया जो कि हम रो के ऊपर करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है थर्ड, थर्ड हमारे पास ये है कि हम किसी भी कॉलम में चेंज इस तरह करना चाहें कि हमारे पास सी आई, मतलब कि हमारे पास कोई कॉलम है, हमने किसी दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरे कॉलम को, यानी कि सी जे, और उसमें चेंज किस में आएगा, फर्स्ट कॉलम में जिसमें हम करना चाह रहे हैं, तो सी आई बार आ जाएगा, जो कि हमारे पास रो की वही सेम प्रॉपर्टी थी। तो ये थे हमारे पास बेसिकली ऑपरेशंस थे, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इक्वेशन पे भी देखे हमने और मैट्रिसेस पर भी देखे कि हम इनके ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। अब जो फर्दर इसमें आगे आ जाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, उसमें वो सिंपल सिंपल सी कंडीशंस हैं, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म भी कवर हो जाए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, तो अगर इसमें कोई इशू आता है तो लाजमी पूछें। थैंक यू वेरी मच।